हैं। चलिए अगली हेडिंग डालें, गुड़ संधि। अगली हेडिंग है गुड़ संधि, ठीक है? इसमें लिखें, गुड़ संधि में थोड़ा लिखें। देखो इसमें मेल किसका होता है पर्टिकुलर, यहां पर जो मैंने लिखा है, अगर फर्स्ट का मेल 2, 3 या 4 किसी से भी हो जाए, अगर फर्स्ट का मेल 2, 3, 4 किसी से भी हो, तो वहां पर जो विकार आएगा, परिवर्तन आएगा, वो गुड़ संधि कहलाएगा। पहले में हमने देखो 2, 3, 4 से कराया, अगले में यही चीज क्या, 2, 3 हट जाएगा, पहले का मेल आगे जो है उनसे कराएंगे, इसीलिए हमें संधियां 5 बनानी पड़ी। अगर भाई समान सभी का मेल हमने करा दिया तब तो एक हमारे पास हो ही गई दीर्घ। उसके बाद दूसरा स्टेप इसीलिए बढ़ाया गया कि पहले का मेल अब अन्य से भी कराना है, तो अन्य से जैसे जैसे हम कराते चले गए, वैसे वैसे क्या हुआ, उनमें परिवर्तन आता चला गया और हमें 5 प्रकार की संधि बनानी पड़ गई, ठीक है? इसीलिए आप 5 प्रकार की संधि, जो वैयाकरण इसके रचना, क्योंकि व्याकरण की जो रचना करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वैयाकरण कहलाते हैं, अनेक शब्दों से एक शब्द में भी ये पूछता है, ठीक? तो पहले लिखिए ऐसा, गुण संधि की डेफिनेशन में लिखिए, जहां पर आ का मेल मेल ई या ई अथवा नहीं ई या जहां पर आ का मेल ई या उ उ या री से हो, या री से हो, री से हो, तो दोनों के मिलने से क्रमशः, तो दोनों के मेल से क्रमशः, तो दोनों के मेल से क्रमशः क्रमशः ए क्रमशः ए ओ और अर बन जाता है, और अर बन जाता है, ए ओ और अर बन जाता है, ए ओ और अर बन जाता है, ठीक है? समझिए इस पॉइंट को, आगे आप स्वयं से समझ जाएंगे किस संधि में क्या चेंज हो रहा है। अगर फर्स्ट का मेल हमने किससे कराया, 2, 3, 4 से कराया, ठीक, तो अगला जो हमें रिजल्ट के रूप में मिलेगा, जैसे इससे पहले दीर्घ संधि में आपने पढ़ा समान स्वरों का समान से मेल कराया, लेकिन सब में बी पोर्शन हावी रहा, ठीक, सभी में बड़ी मात्राएं आपस में लगती चली गई, लेकिन जब यहां पर जब आप दूसरी संधि को पढ़ते हैं जिसका नाम गुण संधि है, अगर पहले का मेल दूसरे तीसरे चौथे से हुआ तो अब इनमें से कोई आंसर नहीं होगा आपका। अब क्या होता है, जब पहले का मेल दूसरे से होगा तो पांचवे का ये पार्ट यानी ए की मात्रा लगेगी, पहले का मेल अगर तीसरे से हुआ तो छठे का ये पार्ट ओ की मात्रा लगेगी, और पहले का मेल अगर चौथे से हुआ तो वहां पर अर हो जाएगा, आपके उच्चारण में अर आएगा, सिर्फ इतना समझना है। अब यही चीज जब अगले स्टेप में बढ़ते हैं वृद्ध संधि में, तो हमें रिजल्ट के रूप में ए मिलता है और औ मिलता है, ये आपकी वृद्ध संधि हो जाती है वहां पर रिजल्ट, क्योंकि ए और ए इन दोनों के ए पहले ही इन्वॉल्व हो चुके हैं, खाली कौन सा है, यही दोनों तो पोर्शन खाली हैं, तो वृद्ध संधि में इसीलिए दोनों में डबल मात्राएं आती हैं, ठीक? तो इसमें जैसे जैसे सबसे पहला पॉइंट हम चलते हैं, फर्स्ट और सेकेंड के मेल से उदाहरण हम देखते हैं, फर्स्ट प्लस सेकेंड ऐसे आप ऊपर डाल लें, यानी आ का मेल किससे होगा, ई से होगा, इनके कुछ उदाहरणों को देखते हैं तो आप समझ जाएंगे इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, ए आएगा, ठीक है? इनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तो आपका कंफर्म हो जाएगा कि कौन कौन से इसमें परिवर्तन होते हैं, ठीक? सबसे पहला इसका उदाहरण लिखें, सबसे पहला उदाहरण है नरधन इंद्र, नरधन इंद्र लिखते चलें, क्योंकि आ का मेल मैं किससे करा रहा हूं, ई से करा रहा हूं, आ का मेल इसमें ई से हो रहा है, ठीक है? तो नर धन इंद्र यहां पर आ है और यहां पर छोटी ई की मात्रा है, तो जाहिर सी बात है दोनों में क्या परिवर्तन होगा, ए होगा, और स्वर की मात्रा है, ए की मात्रा एक सिंगल लगती है ऊपर, तो नर धन इंद्र मिलके बन जाता आपका
नरेंद्र, ठीक है ये नोट कर लें, नर धन इंद्र इक्वल टू नरेंद्र। इसी में दूसरा आप करना चाहें तो सुर धन इंद्र, सुरेंद्र बन जाएगा, सुर धन इंद्र ये आपका बन जाएगा सुरेंद्र, सुर धन इंद्र इक्वल टू सुरेंद्र होगा। ठीक है तो आ प्लस ई के मेल ए में कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं, ये इसका प्रथम उदाहरण था। दूसरा लिखें, दूसरे में लिखें, जैसे आ का मेल अगर बड़ी ई से मैं करा दूं तो सबसे पहला क्या है, नर धन ईस, ये क्या बनेगा, ठीक ए की मात्रा आएगी जाहिर सी बात है, तो ये बन जाएगा आपका नरेश। यहां पर आ का मेल बड़ी ई से हो रहा है, नर धन ईस इक्वल टू नरेश हो गया। ठीक है दिख रहा है पीछे से, नहीं ठीक है, नर धन ईस इक्वल टू नरेश हो गया। ऐसे इसी में एक आपका पूछता है वो परमेश्वर, तो वो भी इसी का उदाहरण है, आ प्लस बड़ी ई का, उसमें क्या होता है परम धन ईश्वर, परम धन ईश्वर मिलके बन जाता है आपका परमेश्वर, परम धन ईश्वर इक्वल टू परमेश्वर, ये परमेश्वर का संधि विच्छेद पूछता है। ठीक या ऐसे पूछ लेता है परमेश्वर किस संधि का उदाहरण है, ठीक है तो परम धन ईश्वर इक्वल टू परमेश्वर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब इनके अन्य हम देखते हैं, बड़ा के मेल छोटी ई से देखते हैं कि बड़ा का मेल छोटी ई से होगा तो उनमें कौन कौन से परिवर्तन होंगे। ठीक सबसे पहला इसमें है रमा धन इंद्र, सबसे पहला है बड़ा का मेल छोटी ई से, तो इसमें पहला उदाहरण है आपका रमा धन इंद्र क्या बनेगा, रमेंद्र बन गया। अगर इसी में मैं आपको रमेश करना है, हाँ रमाधन ईस होगा उसमें, ठीक है रमाधन ईस नहीं रमाधन ईस, क्योंकि जो शुद्ध शब्द हैं आपके वही दिमाग में आने चाहिए। ठीक रमेश में लगती तो एक ही मात्रा है लेकिन वो बड़ा प्लस बड़ी ई का उदाहरण है, ठीक कंफ्यूजन यही आती है, लिख लें इसको। दूसरा इसी में लिख लें यथा धन ईष्ट, दूसरा इसका उदाहरण है यथा धन ईष्ट। ठीक है अब यहां पर भी वही चीजें हैं कि पहले वाले में का अंतिम वर्ण बड़ा है और दूसरे का प्रथम वर्ण छोटी ही है, तो दोनों के मेल से जो मात्रा लगनी है वो एक ही लगेगी, इसलिए यथा धन ईष्ट मिलके बन जाता है यथेष्ट। ठीक है ये दो उदाहरण इससे हो गए बड़ा आ प्लस छोटी ई से। अगला हमें देखना है बड़ा और बड़ी ई का मेल, तो इसमें सबसे पहला अभी मैंने कमेंट ही किया, अगर बड़ा धन बड़ी ई का मेल देखना है ठीक है, तो इसका पहला उदाहरण तो वही है रमाधन ईस, रमाधन ईस ये क्या बनेगा, दोनों यहां पर बड़ा है और इसका जो प्रथम वर्ण है ये बड़ी है, तो बड़ा और बड़ी ई का मेल होके हो जाता है ए, तो रमाधन ईस मिलके बन जाता है रमेश। ठीक अब महाधन ईस क्या बनेगा, महेश बनेगा, ठीक है महाधन ईस इक्वल टू बनता है महेश। इसीलिए वहां पर जहां ये ऐसे नाम मिले इनका संधि विच्छेद आपसे पूछ ले तो वहां एक बार आप इस शब्द को लेकर जरूर देखिएगा कि दूसरा अगर हम शब्द जो बना रहे क्या वह व्याकरण दृष्टि से उचित है या नहीं। ठीक है अगर उचित वैसे शब्द मिले तब आप उनका प्रयोग कर सकते हैं, अगर वो कहीं पर भी शब्द आपको नहीं मिले तो उनका प्रयोग आपको नहीं करना है। ठीक है गलतियां हमसे यही होती है वहां पर एग्जाम में, क्योंकि थोड़ा जल्दबाजी में होते हैं और जल्दी कवर करने के चक्कर में ये गलती कर बैठते हैं। चलिए अगला पॉइंट, अब हमें अर के कुछ उदाहरण देखने हैं कि अर कहां पर कैसे आता है। अच्छा पहले का मेल तीसरे से अभी देखते हैं, पहले का मेल दूसरे से, चारों पॉइंट आपके कंप्लीट हो गए, अब पहले का मेल हम तीसरे से देखते हैं। ठीक फर्स्ट का मेल अगर थर्ड से होगा तो हमेशा रिजल्टेंट क्या होगा, फिफ्थ का ए पार्ट की वो पार्ट, सिक्स का ए पार्ट ओ बनेगा। ठीक है तो इसके एक एक उदाहरण लेकर चलते हैं कि जब आपका आ का मेल किसी का मेल किससे हो जाए, वो ऊ से होता है, तो यहां क्या परिवर्तन होगा, रिजल्टेंट
ओ बनेगा। ठीक है, एक एक उदाहरण इनके लेकर चलते हैं। ठीक है, ये आपका दूसरा पॉइंट है। लेकिन और इनके पहला अगर हम देखें दो उदाहरण, आ का मेल किससे? ऊ से। तो इसमें सबसे पहला उदाहरण है आपका आ का मेल ऊ से। पहला तो आप लिख ले यही बीर धन उचित, तो बीर धन उचित लिखा है। अब यहां पर जाहिर सी बात है कि पहला जो इसका वर्ड है ये आ है और दूसरे का ऊ है, तो आ धन ऊ का मेल हमेशा ओ में कन्वर्जन होगा, इसीलिए बीर धन उचित मिलके आपका बन जाता है बीरोचित। ठीक है, अब इसी में मानव धन उचित रख दिया जाए, ठीक, तो क्या बन जाएगा? मानवो चित। ठीक है, बीर धन उचित इक्वल टू बीरोचित, मानव धन उचित इक्वल टू मानवोचित। ठीक है, इसी का एक उदाहरण बड़ा अच्छा है और वो आपसे संधि विच्छेद के रूप में भी पूछता है, पर धन उपकार। ठीक है, ये इसी का उदाहरण है, तो पर धन उपकार ये हमेशा किस में जाएगा? परोपकार बनता है, पर धन उपकार इक्वल टू परोपकार होगा। ठीक है, लिख लें इनके इन पॉइंट्स को, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आ का मेल बड़ा ऊ से देखते हैं दूसरे पॉइंट के रूप में। आ का मेल हम देखते हैं बड़ा ऊ से, तो जाहिर सी बात है रिजल्टेंट आपका सिक्स ए ही होगा, यानी ओ ही बनेगा। इसके कोई उदाहरण है दिमाग में? आ का मेल बड़ा ऊ से देखिए, सबसे पहले तो आपका है सूर्य धन ऊर्जा। ठीक है, ये क्या बनेगा? सूर्योजा। ठीक है, सूर्य धन ऊर्जा मिलके आपका बन जाता है सूर्योजा। दूसरा इसका अगर देखें, नवधन ऊढ़ा, ठीक, ये बन जाता है नवोढ़ा। लिख लें ये दोनों उदाहरण आप लसु वाले, नवधन ऊढ़ा इक्वल टू नवोढ़ा और सूर्य धन ऊर्जा इक्वल टू सूर्योजा। ठीक है, ये क्लास हो सकता है आप लोगों को थोड़ा लंबी लगे, लेकिन यहां के बाद आपके कभी कॉन्सेप्ट दिक्कत नहीं आएंगे कि किस में क्या कंफ्यूजन आती है। ठीक है, चलिए बताना हो तो ये 5 मिनट का ही खेल है, लेकिन आपको अच्छे से समझना चाहिए, इसलिए हर एक एग्जाम्पल करते चलेंगे। हो सकता है अपने आप से क्या होता है, बताया नहीं था कि हर व्यक्ति अपनी 300 दुनिया में जीता है। यहां पढ़ रहे दिमाग में आया कि अच्छा आज वीडियो के सारे पेपर डाउनलोड करने हैं यहां से जाने के बाद, और जो जो क्वेश्चन इससे थे देखना है, और यहां 2 4 घंटे 2 घंटे क्लास हुई, आप घर गए तो रास्ते में ही आपकी दूसरी दुनिया बन जाती है, और दूसरी दुनिया ये कहती है कि यार चलो चलते हैं घर पे, थोड़ा सा आज थकान महसूस हो रही है। घर पहुंचेंगे तो या वहीं पर दिमाग का आपका अगला बन जाएगा कि अच्छा आज व्हाट्सएप नहीं देखे, कोई नया अपडेट है, ठीक, या यूट्यूब में भिड़ जाते हैं और वहां से ही कोई मूवी लग गई, क्या पूछना? आपका एक दिमाग आपसे कहेगा आपको पढ़ना था, दूसरा दिमाग आपको रोकता है, अरे यार 10 मिनट की तो बात है, 1 घंटे में क्या चला जाता है। आपका दिमाग आपको ही बेवकूफ बनाता है। हर इंसान अपनी बनाई हुई दुनिया में रहता है और आपने उससे टोंक दिया कि आपके घर वालों को बता देंगे, किसी का प्राइवेट मामला हो और कह दो कि घर वालों को बता देंगे, अभी देखो उससे बड़े दुश्मन आप ही हैं, मतलब आपका आप उसके सबसे बड़े दुश्मन हो जाएंगे। तो हर व्यक्ति की अपनी दुनिया है, आइए इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप उसी जिस दुनिया में वहीं रहें और सब कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कौन सा आएगा? बड़ा आ का मेल छोटा ऊ से, उदाहरण कोई सोचिए। सही है, ठीक है, अगर बड़ा आ का मेल हम छोटा ऊ से कराने लगे तो सबसे पहला इसका उदाहरण कौन सा बनेगा? महाधन उत्सव। बड़ा आ का मेल छोटा ऊ से, इसका पहला उदाहरण है महाधन उत्सव। ठीक है, अब उत्सव भी अपने आप में सही शब्द है, जब आप तोड़े एक बार तो वहां दिमाग में ये जरूर चेक करिएगा कि क्या यह व्याकरणिक दृष्टि से उचित है या नहीं। ठीक,
तो महाधन उत्सव इसका अंतिम वर्ण बड़ा और इसका प्रथम वर्ण छोटा हो तो महाधन उत्सव मिलके बन जाता है महोत्सव। ठीक है, लिख लें महाधन उत्सव इक्वल टू महोत्सव। इसी का एक और पूछता है सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपको अधिकतर बुक में भी मिलेगा और पेपर में भी मिलेगा, वो आपका थोड़ा सा परिवर्तित है इसमें, महाधन उदय। ठीक है, ये पूछा गया है महोदय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो महाधन उदय कल्टू बनता है आपका महोदय। ये दूसरा पॉइंट लिख ले, हम उन्हीं एग्जाम्पल को स्पेशली कवर कर रहे हैं जो किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, महाधन उदय महोदय और महाधन उत्सव महोत्सव। अगला बच रहा है बड़ा आ का मेल बड़ा ऊ से, इसमें दो तीन है उनको देख लेते हैं। बड़ा आ का मेल बड़ा ऊ से कौन कौन से आएंगे, इसका सबसे पहला ये थोड़ा सा आपके ऐसे वर्ड मिलेंगे जैसे आपका है महाधन उर्मी। ठीक, महोर्मी हो जाएगा, महाधन उर्मी कल टू महोर्मी। ठीक, परिवर्तन किसमें, सिर्फ मात्राओं में हो रहा है तो मात्राएं बदलेंगी, अब ऐसा नहीं कि कोई आप 20 से वर्ण गायब कर दें। ठीक, यहां मात्राएं लग रही हैं तो यहां मात्राओं में ही परिवर्तन होगा, इस चीज को देखते रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चन सेट करने वाला अच्छा हुआ तो पहले में वर्तनी गलत दे देगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी बनाए जा सकते हैं कि पहले में वर्तनी गलत दे दी जाए, आप फट से वही पहला मान के बढ़ जाएंगे। महाधन ऊर्मी इक्वल टू महोर्मी, महोर्मी ये मां कंफर्म नहीं है क्या? अरे लास्ट का ये और प्रथम इतना सिर्फ मात्रा में चेंज दे दो, इसकी जगह पर वो लगा दो, काम खत्म। ठीक है, आगे हम कुछ उदाहरण एक आप हम फोर के साथ देख लेते हैं कि फर्स्ट का मेल अगर फोर के साथ होगा, इसमें स्पेशली कोई नहीं आया, सिर्फ इसमें उच्चारण में फर्क आता है, अर हो जाता है, तो इसके एक आध देख लेते हैं। अर के कोई उदाहरण आपके दिमाग में है? हाँ, बहुत सही, सबसे पहला इसका उदाहरण है महाधन ऋषि, क्या बनेगा? महर्षि। बस उच्चारण करने में आपके परिवर्तन आएगा, महाधन ऋषि बन गया महर्षि। ठीक, ऐसे देवधन ऋषि क्या बनेगा? देवधन ऋषि देवर्षि बनेगा। ठीक है, अगला सप्तधन ऋषि क्या बनेगा? ठीक, सप्तऋषि। लिख लें तीनों उदाहरण, महाधन ऋषि देवधन ऋषि सप्तधन ऋषि।